अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जे एस के डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका टीचर जानशेर खान। आज हम फोटोशॉप में मैजिंग माइंड टूल पे काम करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कीबोर्ड से W प्रेस करेंगे और या माउस, यहां हम माउस का बटन प्रेस करेंगे। क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक माइंड टूल, ये दो टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हम सबसे पहले मैजिक माइंड टूल सेलेक्ट करेंगे। हम कोई भी वॉलपेपर, बेसिकली मैजिक पॉइंट टूल, क्विक सिलेक्शन टूल जो है सिलेक्शन टूल है। इसमें हमें किसी इमेज वगैरह पे काम करना होता है, किसी इमेज का कोई पार्ट हमें चाहिए होता है, तो उसके लिए हम ज़्यादातर इन टूल्स को यूज़ करते हैं। तो अब मेरे पास कुछ इमेजेस मैंने डाउनलोड किए हैं, मैं ये इमेज ओपन करता हूँ। इमेज को मैंने सिंपली क्लिक किया और ड्रैग किया फोटोशॉप में, ठीक है। मेरे पास इमेज ओपन हो गई, मैजिक माइंड टूल मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ एरिया इस इमेज का वो सेलेक्ट हो चुका है, जहाँ तक कि टूल से जो सिमिलर कलर्स थे उसने इसको सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अगर मैं एक और क्लिक करता हूँ मज़ीद कुछ एरिया सेलेक्ट करने के लिए, तो पहले की सिलेक्शन हमारी ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, हमें कोई भी मल्टीपल सिलेक्शन लेनी होगी तो हमें शिफ्ट उसके साथ प्रेस करना होगा, ठीक है। मैंने इस एरिया में सिलेक्शन ले ली है, अब मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ और शिफ्ट के साथ मैं इस एरिया को भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप देखिए मज़ीद एरिया मेरे पास सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमें शिफ्ट प्रेस करके एरियाज़ को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। टॉलरेंस में आपको यहाँ कुछ नज़र आ रहा होगा, टॉलरेंस 80, ठीक है। मैं पहले सिलेक्शन को ख़त्म करता हूँ, कंट्रोल डी से सिलेक्शन आपकी ख़त्म हो जाएगी, या राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ डी सेलेक्ट शो हो रहा होगा, ठीक है। डी सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद टॉलरेंस में यहाँ से कम करता हूँ, जैसे कि अब टॉलरेंस 80% है तो मैं क्लिक करूँ तो एरिया ज़्यादा सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से टॉलरेंस कम करता हूँ, लेट सपोज 30 करते हैं, इंटर किया, उसके बाद अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखिए कम एरिया सेलेक्ट हुआ है। पहले हमारा ये एरिया भी सेलेक्ट हुआ था, जबकि अब ये एरिया का सेलेक्ट हुआ है। मैं फिर डी सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल डी, मैं टॉलरेंस और कम कर देता हूँ, 5% कर देते हैं हम, इंटर। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखिए इतना एरिया सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। टॉलरेंस का मतलब है कितना मैक्सिमम एरिया आपको सेलेक्ट करना है। अब मैंने एक क्लिक किया तो जस्ट इतना एरिया सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। मैं डी सेलेक्ट कर रहा हूँ, टॉलरेंस बढ़ा देते हैं हम 20%, अब एरिया सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए इसने मज़ीद एरिया को सेलेक्ट किया है। ये टॉलरेंस टूल जो है, मैजिक माइंड टूल, ज़्यादातर सिमिलर एरियाज़ को, जिस एरियाज में सिमिलर कलर्स होंगे ये इसको सेलेक्ट करेगा, ठीक है। अगर मुझे अब ये पूरे एरिया की सिलेक्शन चाहिए होगी तो मैं इसके साथ शिफ्ट प्रेस करके यहाँ भी क्लिक करूँगा, पूरे एरियाज़ में क्लिक कर दूँगा, ठीक है। या सिंपली डी सेलेक्ट करके मैं टॉलरेंस यहाँ से बढ़ा दूँगा 80%, ओके। अब मैं इस एरिया को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसके बाद फिर शिफ्ट प्रेस करके इस एरिया को सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब आप देखिए मेरे पास दो क्लिक से इतना एरिया सेलेक्ट हो चुका है। मैं अब इस एरिया को सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसके बाद जितने भी आपको मतलब एरियाज नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे लाइंस नज़र आ रही होंगे आपको, उन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इस एरिया पे हम क्लिक करते हैं तो आप देखें यहाँ तक सिलेक्शन हो गई, यहाँ पे कुछ बाकी है, हम इस पे भी क्लिक करते हैं, ये भी सेलेक्ट हो गया। इसके बाद हम यहाँ भी सेलेक्ट कर रहे हैं, क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा, ये एरिया पूरा हमारे पास सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। हम इस तरीके से कोई भी एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं मैजिक माइंड टूल के थ्रू। अब हमें अगर इसकी डुप्लीकेट चाहिए होगी या इस एरिया को हमें किसी और इमेज पे लगाना है, ठीक है, तो हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से सिंपली हम कंट्रोल जे प्रेस कर देंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। कंट्रोल जे प्रेस किया तो यहाँ इसकी कॉपी बन चुकी है, और अगर कंट्रोल जे नहीं करेंगे, अंडू कर दीजिए आप, कंट्रोल सी वी, कंट्रोल सी वी भी करेंगे, कंट्रोल सी मीन्स कॉपी, कंट्रोल वी मीन्स पेस्ट, कॉपी पेस्ट, ठीक है, या सिंपली कंट्रोल जे, कंट्रोल जे कर दिए। नीचे वाली लेयर जो है बैकग्राउंड लेयर, हम इसको हाइड कर देते हैं। अब ये देखिए हमारे पास ये एरिया क्रॉप हो चुका है, हम ये इमेज, ये स्काई का जो वॉल मतलब बैकग्राउंड है, इसके हम किसी और इमेज पर भी यूज़ कर सकते हैं।
आइए हम चेक करते हैं हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। मेरे पास एक और वॉलपेपर है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें भी हम उसी तरीके से मैजिक वैंड टूल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ मैंने क्लिक किया, टॉलरेंस हम जितने चाहें रख सकते हैं, मैंने इस 80 रखा हुआ, ठीक है। इतना एरिया मेरे पास सेलेक्ट हुआ है, मैं शिफ्ट प्रेस करके मज़ीद एरिया भी सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब आप देखिए मेरे पास यहाँ तक सेलेक्ट हो चुका है, ये सारा एरिया मेरे पास सेलेक्ट हो चुका है। ये कुछ एरिया बाकी है छोटा सा, यहाँ भी क्लिक किया तो ये नीचे जा रहा है, तो हमें इसे नॉर्मली क्लिक करना होगा बिल्कुल, मतलब जूम करके, ताकि इसके साथ मज़ीद एरिया सेलेक्ट ना हो। हम इस पर भी कॉपी पेस्ट करेंगे, या हम पहले इसको सेलेक्ट इनवर्स करेंगे, राइट क्लिक करेंगे सेलेक्ट इनवर्स, ठीक है। या अगर कीबोर्ड से करेंगे कंट्रोल शिफ्ट आई, तो ये नीचे का एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। हमने सिलेक्शन इस एरिया की ली थी, ठीक है, लेकिन हमें नीचे का एरिया सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। हमें बैकग्राउंड चाहिए, या हम इसकी कॉपी ले लेंगे और या उसको रिमूव कर देंगे, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं। तो मैंने सेलेक्ट इनवर्स किया है, अब मैं यहाँ से कंट्रोल जे प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी डुप्लीकेट यहाँ बन चुकी है लेयर वन में, बैकग्राउंड को मैं हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से जो बैकग्राउंड था रिमूव हो चुका है। हम पिछले टैब पे आते हैं, यहाँ हमारे पास बैकग्राउंड हमने पहले ही क्रॉप किया था। मूव टूल लेंगे, कीबोर्ड से वी प्रेस करेंगे और या मूव टूल पे क्लिक कर देंगे। इस इमेज को हम यहाँ से मतलब क्लिक करके नेक्स्ट टैब पे ड्रैग कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं कर सकते, अंडू कीजिए, इस इमेज को क्लिक कीजिए, इस लेयर को कंट्रोल सी कॉपी, और इस टैब पर आइए कंट्रोल वी, कंट्रोल वी पेस्ट करेंगे तो आपके पास ये ड्रैग इमेज यहाँ पेस्ट हो गई है। अब हम इसे जूम करेंगे, कंट्रोल टी ऑल्ट प्रेस किया है, मेरे पास ये न्यू वर्जन है तो इस वजह से मैं जस्ट इसमें ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ, तो प्रोपोर्शनली बैकग्राउंड हमारा बड़ा हो रहा है। अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो आपको ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्रेस करना होगा, तब प्रोपोर्शनली इमेज आपकी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ, इसकी अलाइनमेंट सेट करता हूँ। हम यहाँ से भी कर सकते हैं, अलाइन टूल से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इलस्ट्रेटर की कुछ क्लासेस में बताया था, यहाँ भी बताऊँगा आगे जाके मज़ीद कुछ क्लासेस में। यहाँ हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे ताकि इसकी सिलेक्शन हो जाए, तो ये आराम से ज्वाइन हो जाएगा। अब यहाँ ये खुद ब खुद से सिलेक्शन ले लिए, हम इंटर प्रेस करेंगे। इस लेयर्स को अब हमें बैक पे लेकर जाना है, ठीक है। हम कीबोर्ड से कंट्रोल और ब्रैकेट लेफ़्ट ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो ये बैक पे जा चुकी है। आप इस एरिया में देखिए, ये लेयर टू हमारे पास अब नीचे आ चुकी है और लेयर वन टॉप पे है। लेयर वन हमारी ये स्टार वाली है, ठीक है, और लेयर टू हमारी स्काई वाली है। मैं अगर नीचे वाली लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल राइट ब्रैकेट करता हूँ तो अब देखिए ये ऊपर आ गई इमेज। अगर मैं फिर लेफ़्ट साइड वाली ब्रैकेट पर क्लिक करूँगा, पी के बराबर में है लेफ़्ट साइड वाली ब्रैकेट, ठीक है, कंट्रोल और लेफ़्ट साइड वाली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट जिसे कहते हैं। अब हम इसे जैसे ही प्रेस करूँगा मैं इस बटन को, आप देखिए ये पीछे चली गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी इमेज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ये तो जस्ट सिंपली मैंने आपको से सिलेक्शन बताने के लिए ऐसी क्रॉप किए हैं। इसमें कुछ काम बाकी है, जैसे कि कुछ पैचेज आपको नज़र आ रहे हैं, आप बैकग्राउंड लेयर पर क्लिक कीजिए, सिलेक्शन टूल लीजिए, इस एरिया को सेलेक्ट कीजिए, जहाँ जहाँ आपको पैचेज नज़र आ रहे हैं डिलीट कर दीजिए, या आपको इसमें कलर फिल करना होगा, अगर डिलीट करेंगे तो वो पूरा ही रिमूव हो जाएगा, या हम इसमें ब्रश टूल से भी रिमूव कर सकते हैं इसको, ठीक है। वो मैं आगे की क्लासेस में ब्रश टूल्स पे भी हम क्लासेस करेंगे, तो उसमें आपको मैं सारे शॉर्टकट्स और पूरी ट्रेनिंग में उसके बारे में बता दूंगा। अब हम आते हैं अपनी पुरानी इमेज पर, ठीक है। ये हमने इमेज जो थी क्रॉप की थी, ये वॉल पेपर, इसको मैं हाइड कर रहा हूँ, बैकग्राउंड को दोबारा विजिबल कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं दोबारा मैजिक वैंड टूल पे आ रहा हूँ, कीबोर्ड से डब्ल्यू प्रेस करेंगे या मैजिक वैंड टूल सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, अब आप देखें यहाँ एंटी एलियास के बराबर में आपके पास दो ऑप्शन और है, कॉन्टीजियस और सैंपल ऑल लेयर्स, ठीक है। मैं इन दोनों से चेक हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखिए, पहले हम क्लिक कर रहे थे तो वो जस्ट स्काई वाले पार्ट में कलर जो मैचिंग कलर थे उसको सेलेक्ट कर रहा था। अब वो पूरी ओवरऑल इमेज में जितने भी सिमिलर कलर्स है, स्काई जैसे ये ब्लू कलर है तो वो ब्लू कलर जहाँ जहाँ है वो उसे सेलेक्ट कर रहा है, ठीक। मैं इसे डीसेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं कॉन्टीजियस पे दोबारा चेक लगा देता हूँ तो आप देखिए ये सिर्फ
स्काई पे सिलेक्शन ले रहा है, मतलब यहाँ आसपास जो इसे मैचिंग कलर नज़र आ रहे हैं ये उसकी सिलेक्शन ले रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से चेक रिमूव कर देता हूँ, चेक हटा देता हूँ, तो अब आप मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो आप देखिए ये पूरी इमेज को की सिलेक्शन ले रहा है और पूरी इमेज में जो सिमिलर कलर्स हैं ये उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सिंपल आर लेयर्स। ठीक है, अब ये सिंपल आर लेयर्स पे हमने क्लिक किया, मैं एक न्यू लेयर बना रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, मेरे पास न्यू लेयर बन चुकी, अब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखें ये फिर इसकी सिलेक्शन यहाँ से ले रहा है दोबारा से, और जबकि हमारे पास ये जो लेयर है वो ब्लैंक है, वो बैकग्राउंड से इसकी सिलेक्शन ले रहा है। ठीक है, मैं दोबारा से इसको सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट प्रेस करके, अब देखिए ये भी इसी तरीके से दोबारा से सिलेक्शन इसकी हो रही है, हमारे पास फिर ये पार्ट सेलेक्ट हो चुका है। हम चाहें तो हम इसको भी ले सकते हैं साथ में, इस पोर्शन को हमारी सिलेक्शन यहाँ तक हो गई। अगर मुझे पूरी इमेज चाहिए तो मैं मज़ीद जितने क्लिक्स करता रहूँगा सिलेक्शन बढ़ती जाएंगी उस एरियाज में। ठीक है, मैजिक वाइंड टूल ज़्यादातर सॉलिड कलर के यूज़ होता है और उसके लिए आसानी होती है सॉलिड कलर्स के सिलेक्शन लेना। मैं कोई इमेज आपको दिखाता हूँ सॉलिड कलर की, अब ये सॉलिड कलर्स है। ठीक है, क्लिक ड्रैग किया और यहाँ मैंने इसे ओपन किया। ठीक है, अब मैं मैजिक वाइंड टूल यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ जैसे ही क्लिक किया अब देखिए इसने पूरा एक कलर सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं इस पर करूँगा तो ये पूरा एरिया जो सिमिलर कलर्स हैं वो सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ क्लिक किया तो अब यहाँ जो सिमिलर कलर्स है इसने सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, अगर मैं इसमें से क्वांटिटीज को चेक हटा देता हूँ तो आप देखिए अब वो यहाँ से जो पूरी इमेज में जितने कलर्स हैं ये उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो इमेज में सेलेक्ट मतलब सिमिलर कलर्स हैं। इसके बाद हम आते हैं मैजिक माइंड टूल के ऊपर, ये है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल एक बहुत ही अच्छा टूल है, ज़्यादातर जो हाई रेस की इमेजेस होती है 4K या 3K इसके आसपास की जो इमेजेस होती है जो हाई रेस पे होती है उसकी सिलेक्शन के लिए बेसिकली यूज़ होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ से इस इमेज पे आते हैं तो अब देखिए मैं सिंपली क्विक सिलेक्शन टूल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और अब देखिए ये एरिया खुद ब खुद सेलेक्ट हो गया जैसे कि मैजिक वाइंड टूल में सेलेक्ट किया था। ठीक है, अगर मैं सेलेक्ट यहाँ हमारे पास एक और ऑप्शन है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं अगर सिलेक्शन नहीं भी लेता, मैं जस्ट सिंपली प्रेस कर रहा हूँ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट तो अब देखिए वो ये इमेज सेलेक्ट कर रहा है, इसमें से कुछ पार्ट इसने सेलेक्ट किया है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी कोई इमेज होती है जैसे कि ये इमेज है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, सिंपली एक बार मैंने क्लिक किया। अच्छा, मैजिक वाइंड क्विक सिलेक्शन टूल जो है इसका जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये सर्कल हमें अगर बड़ा करना होगा तो हम कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, इससे हमारी लेयर ओपन होती है, और अगर हमें इस ब्रश का साइज़ बड़ा करना होगा तो सिंपली हम स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करेंगे। राइट वाली अगर करेंगे तो उससे ब्रश का साइज़ बड़ा होगा, और अगर हम लेफ़्ट वाली ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो उससे इसका साइज़ छोटा होगा। ठीक है, अब मैंने ब्रश का साइज़ ये रखा है और इसके बाद अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद मैंने सिंपली एक क्लिक किया और मैं यहाँ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर रहा हूँ। अब आप देखिए यहाँ से ये इस एरिया की उसने खुद ब खुद सेलेक्शन ले ली है। ठीक है, अच्छा, ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का जो ऑप्शन है जो जो सीसी के जो वर्जन्स हैं उसमें ये अवेलेबल है, जो CS6 वगैरह है या पुराने जो फोटोशॉप्स हैं उसमें ये ऑप्शन नहीं है, तो ये आपको सिर्फ सीसी के वर्जन में दिखाई देगा ये ऑप्शन। अच्छा, मैंने अब यहाँ क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ क्लिक किया, इस तरीके से मैं सिर्फ क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ माउस को। ठीक है, अब आप देखें ये इमेज की सिलेक्शन खुद ब खुद होती जा रही है, और अगर हम डायरेक्टली सिलेक्शन करना चाहें तो पूरी इमेज की जैसे हमें करनी है तो वो कंट्रोल ए है, वो तो आपको पता है, उसमें तो ओवरऑल जो भी आपके आर्ट बोर्ड पे होगा वो उसकी पूरी सिलेक्शन होगी। तो बेसिकली ये दो छोटे छोटे से टूल है लेकिन ये बहुत काम के टूल है, ज़्यादातर इमेज एडिटिंग वगैरह में आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है या लो रेजोल्यूशन की इमेजेस जो होती हैं उस पर काम करने के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसमें पिक्सेल्स
पिक्सेलेट हो रहे होते हैं, तो इस वजह से उसकी सिलेक्शन लेने में मुश्किल होती है। तो इसलिए ये टूल्स हम ज़्यादातर हाई रेज इमेजेस जो होती है, हाई रेजोल्यूशन, हाई रेज उसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और हाई रेजोल्यूशन की जो इमेजेस होती है, हम इस पर मैजिक सिलेक्शन टूल से काम कर सकते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और आप जो भी क्लासेस में सीख रहे हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए, बार बार कीजिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके और आपको आगे काम करने में आसानी हो। और इंशाल्लाह अगले क्लास के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।